नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपीआर न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सीतापुर रेवसार रविवार को बाढ़ प्रबंधन और उसकी तैयारियों को लेकर सेवता विधायक ज्ञान तिवारी व जिलाधिकारी अनुज सिंह अधिकारियों के साथ रेवसा के मेवड़ी सलाहा में कटान रोधी निर्माण कार्य को देखा और समीक्षा बैठक की और अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में बाढ़ प्रभावित गाँव के ग्रामीण भी मौजूद रहे। विधायक व जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील इस इलाके में अभूतपूर्व कमी आई है। बाढ़ से खतरे को न्यूनतम करने में सफलता पाई है। बाढ़ से जनजीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्विभागीय सामान से अच्छा कार्य हुआ है। इस वर्ष भी बेहतर सामान कलेक्शन और बेहतर प्रबंधन से बाढ़ की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाएगी। बाढ़ की आपात स्थिति के लिए आपात रिजर्व स्टाफ का एकत्रीकरण कर लिया जाए। इन स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्थाएं एवं अवस्थाएं उपकरणों का भी प्रबंधक होना चाहिए। सभी बाढ़ सुरक्षा समिति एक्टिव मोड में रहें, संवेदनशील तटबंधों का निरीक्षण होता रहे। बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी तटबंधों की सतत निगरानी की जाए। बाढ़ राहत कंट्रोल रूम घंटा एक्टिव मोड में रहेगा। जिलाधिकारी ने इस दौरान सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रत्येक आम जन व जरूरतमंदों को मिल जाए, इसकी समीक्षा की। तहसील ब्लॉक से अफसरों से कहा, अभियान चलाकर बाढ़ से प्रभावित इलाकों को पूर्ण रूप से अभियान चलाकर सभी लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया जाए। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी राम भरत तिवारी, विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्रा, रविंद्र तिवारी, जिला पंचायत राज अधिकारी अधिशासी अभियंता सिंचाई विशाल पोरवाल, खंड विकास अधिकारी विवेक मणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी पीएल मौर, तहसीलदार अभिचल प्रताप सिंह सहित तहसील व ब्लॉक के कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारीगण, इस ग्राम सभा के सभी सम्मानित महानुभाव, दिल्ली की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जो गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, दबे कुचलों के उत्थान के लिए अनवरत काम कर रही है। भारत के इतिहास में आपको ये मानना पड़ेगा, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, और ये हम कह रहे हैं उसके साथ में, मोदी जी को आपने 14 में प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन जब 17 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री हुए, उसके बाद से 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में और जनपद सीतापुर में हमने देखा है कि किस तरीके से तस्वीर और तकदीर बदली है। एक जमाना वो होता था कि मुख्यमंत्री आते थे, रेवसा में मीटिंग करते थे, तब जब चुनाव होता था वोट मांगने के लिए। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी 2017 में सांसद के रूप में यहाँ पे आए थे, और आने के बाद आपने देखा होगा, हमने उनसे कमिटमेंट किया था कि महाराज जी बहुत बाढ़ क्षेत्र है, आने वाले समय में आज आप भले सांसद के रूप में हैं, कल आप पावर में होंगे, मुख्यमंत्री के रूप में होंगे, ईश्वर की कृपा से मुख्यमंत्री बने। लेकिन याद करिए, जब 2018 में भीषण बाढ़ आई थी, ये सारे अधिकारी ने ये कहे कि रेवसा में मुख्यमंत्री जी मेरे आवास पे ही हेलीकॉप्टर उतरा था, वही हेलीपैड बना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया तो सारे प्रोटोकॉल को तोड़ करके उन मारू बहन में आपके बाढ़ क्षेत्र में गए, और बाढ़ क्षेत्र में जाने के बाद आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको बाढ़ का प्रभारी बनाया, और हम वो, और उस समय तारिका मोहन जी डीएम थी और जितेंद्र जी एसडीएम थे, इसी आपके गांव के खमरिया सेतुपुर में हम लोग डूबते थी नदी में बचे हुए थे, क्योंकि हम नदी से स्टीमर से सर्वे कर रहे थे, उस समय भीषण बाढ़ चल रही थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत आपदा प्रभावित सूची हमको जो तहसील से समय समय पर प्राप्त होती है, उसका सत्यापन कराने के उपरांत उन लाभार्थियों का हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मेरी छोड़ा आपदा से कौन सा प्रभावित ग्राम पंचायत है, यहाँ पर इसलिए ना हो कि पहले कुछ कटेगा तब तुम्हारा बनेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, अगली बार जब मैं आऊंगा, ये आज क्योंकि पहली बार विधायक जी और हम लोग आ रहे हैं, आज क्या करना है वो हम लोग बता दिया, ये 10-15 दिन बाद आएंगे, तब अगर नहीं हुआ रहेगा तो फिर जिम्मेदारी भी तय होगी और कार्रवाई भी होगी, बात है तो वो करा के उसके फोटो विधायक जी को भी अगले 10-14 दिन में भेजिएगा और हमें भी भेजिएगा।
क्योंकि यही मुझे कहना था। अब मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा कि सर आप भी इसमें जुड़ते हैं। यहाँ से ग्राम प्रधान जी श्री मुनेजर कहीं कहीं प्रधान जी आगे आ जाइए। और हम सब लोगों ने और हमारे अधिकारियों की आपका गांव पिछली बार कट रहा था 2021 में, ये तहसीलदार साहब देखते थे एसडीएम साहब तो वो दूसरे वाले एसडीएम साहब थे, लेकिन तहसीलदार यही थे। रात रात यहाँ पे आते, हम लोग रात में यहाँ पे छापा मार देते थे, दिन में बैठते थे, किस तरीके से हमारे अधिकारी आज हमारे जिला अधिकारी, बाढ़ को अभी पता नहीं है, बाढ़ को आएगी 3 महीना पहले, लेकिन आज हमारे जिला अधिकारी 3 महीना पहले आपके बीच में समीक्षा के लिए बैठे हुए हैं कि कोई आपका नुकसान न होने पाए। हालांकि बाढ़ रोक पाना न माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, न जिलाधिकारी जी के हाथ में है, न ज्ञान तिवारी के हाथ में है, लेकिन फिर भी हम आपके प्रति सजग है। आप लोगों ने तो नहीं डिमांड किया था कि विधायक जी और डीएम साहब हमारे यहाँ सारे अधिकारी आए, लेकिन चूंकि यहाँ पे सारदा और घाघरा का मिलन है, क्षेत्र का सबसे सेंसिटिव पॉइंट यही है, इसलिए पर्दा खुलवा दो भैया, पर्दा खुलवा दो पीछे। एक चीज और जो मैं इन सूचनाओं में जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ पर मेवड़ी सलाह में जो हमारी पूरी आबादी है रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर अन्य विभाग में देखिए आज यहाँ पे बाढ़ प्रभावित गांव है हमारा, और शारदा और घाघरा नदी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर में मिलती है, और जिसकी वजह से लगभग 3 से 4 महीने हर वर्ष बाढ़ की बहुत ही भयानक विभीषिका जो एक कहर है वो ये गांव झेलता है, और आज से नहीं कई वर्षों से झेलता आ रहा है। तो धीरे धीरे आप लोगों को मुझे लगता है कि एक तरीके से आदत सी हो गई है, लेकिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार और हमारे जो यहाँ के लोकप्रिय जो विधायक जी बैठे हैं, इनके प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे हुआ है। यहाँ से आपके गांव को फर्दर कटान से बचाने के लिए कि और गांव ना कटे ना जाए प्रयास किए जा रहे हैं, और उसमें गांव के भी लोगों का बहुत सहयोग मिला है। अब बाढ़ के साथ साथ अन्य भी जो योजनाएँ हैं, जैसे यहाँ पे आपको मैं 2-3 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बता दूँ। पंचायत सहायक, इसके अलावा सबको पूरा लग के प्रयास करते हैं, ट्राली से जगह जगह पे उनके लिए चारे और भूसे की व्यवस्था कराते हैं। नहीं कि ये देखने में 60 के लग रहा है तो 60 हो गया होगा, उसके बाद उनको उनका लाभ दे देना चाहिए, उनके आधार पे हो सकता है लिखा हो कि वो 60 वर्ष के हो गए, उस हिसाब से इनका आप अंदाजा लगा के वो कराइए, ठीक है। तीसरा, उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी पीछे मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी आप लोगों को कहा था कि भाई खुले में शौच नहीं करना है, आप लोग बहुत सालों से खुले में शौच जाते रहे हैं नदी के किनारे, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि खुले में शौच जाने से बीमारी फैलती है, गाँव गाँव में शौचालय बनाए गए, आप में से कई लोगों के शौचालय जब खराब हो गए तो अब सरकार ने उसको ठीक भी कराने का बीड़ा उठाया कि नहीं हम आपको एक बार और ठीक करा के देंगे, तो रेट्रोफिटिंग का कार्य यहाँ पे बहुत तेजी से हो रही है, ठीक है। जितने भी शौचालय जो यूजफुल नहीं है डिस्टिंग हो जाए परिवार वाइज डिस्टिंग है तो उसमें काम तेजी से आगे बढ़े, ठीक है। ये जो अभी नदी के किनारे से आप शुरू कराइए, अब हमने विधायक किया है यहाँ पे शौचालय अच्छी हालत में नहीं दिखे सचिन वो अच्छा नहीं लगा, ठीक है। आप ही की बात कर रहे हैं ठीक है, तो उसको अभी आप मुहिम चला के कराइए, ऐसा नहीं कि हम लोग एक बार आ गए और यहाँ मत्था टेक और चल दिया, अभी फिर आना है। अभी तो बारिश ना शुरू हुई है ना अभी बाढ़ शुरू हुई है, ये तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहले जब बाढ़ होने के बाद देखते थे, इस बार बाढ़ होने के 3-4 महीने पहले से वहाँ पे सभी को जाके चेक करना है, परियोजनाएं भी देखनी है, वहाँ की गांव की स्थिति भी देखनी है,
आज योगी चलहा इस बाढ़ क्षेत्र में हमारे जनपद के लोकप्रिय जिलाधिकारी श्री अनु सिंह जी, एडीएम साहब तिवारी जी, हमारे एसडीएम साहब मौर्या जी, हमारे तहसीलदार साहब अचल प्रताप सिंह जी और हमारे एक्सपीएम बाढ़ के हमारे बीडीओ साहब और बीपीआरओ महोदय, थाना अध्यक्ष महोदय, कैंप यहाँ पर है, प्रस्तावित है, इसी स्कूल पर कैंप होगा सर। बैठक करके हम लोगों ने बता भी दिया है सर पहले से, और जिनकी अन्य कोई समस्या होगी सर वो भी हम लोग उसी दिन निर्धारित कर लेंगे। बगल में ही सर यहाँ इनका सर नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें सर हमारे पास उपलब्ध है सर। आवश्यकता पड़ने पर इनको हम सर तत्काल करते हैं, और अब तक इन्होंने काफ़ी हेल्प भी की है सर, जब भी जरूरत पड़ी है। इसके अलावा सर